नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। आईसीएमआर चीफ ने कहा, कोरोना संकट के बीच अधिकांश भारत को 6 से 8 हफ्तों तक बंद रहना चाहिए। देश में लगातार दूसरे दिन बड़े कोरोना केस, 24 घंटे में हुई 4126 मौतें। 31 तक फुल लॉकडाउन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, सीएम करेंगे ऐलान। बच्चों की वैक्सीन का होगा ट्रायल, एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश। 45 प्लस को मिले गुरुवार को वैक्सीन, केवल दूसरे डोज का होगा वैक्सीनेशन। शहर में एनडीए सदस्य की गिरी गाज, आइसक्रीम पार्लर और कपड़े की दुकान सील, 34 दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। जिले में कोरोना से मौतों में नहीं आ रही कमी, बीते 24 घंटे में 60 से ज्यादा हुई मौतें, 2532 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। अश्लील वीडियो चैट की आड़ में लाखों की वसूली, 60 से ज्यादा लोग हो चुके शिकार, सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे लोग बरते सावधानी। फिंगरप्रिंट, पैरों के निशान से पकड़ा गया चोर, आरपीएफ की कार्रवाई, इंजन से चुराया था ट्रांसफॉर्मर। महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताई संभावना, कहा सबसे बड़ी चुनौती तीसरी लहर, बच्चों को बाधा पहुंचने की आशंका। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।